हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। सो मैं हूं आपकी टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4 नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब तक हमने करे थे बच्चों प्रीवियस चैप्टर में assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence और exclamatory sentence। अब हम करेंगे negative sentence। So बच्चों, negative sentence वो होते हैं a sentence that tells you that something is not so and contains a negative word like no or not, जिसमें no और not होता है, जिसमें आता है नहीं, वो होते हैं negative सेंटेंस। जैसे कि द बेबी इज नॉट क्राइंग, बेबी रो नहीं रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में नो या नॉट आ जाएगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे कि नॉट नहीं है, नेवर नहीं है, आई विल गो ऑन अ हॉलीडे बाय कार। तो इसमें कोई नो नेवर नहीं है, तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। और अगर हम इसे कह देंगे बच्चों आई विल नॉट गो ऑन अ हॉलीडे बाय कार, सो इसमें आ गया नो, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस में आई यू वी दे, अगर ये प्रोनाउंस आते हैं तो हम यूज़ करते हैं डोंट। ओके, और ही शी इट, अगर ये सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं तो हम यूज़ करते हैं बच्चों डजंट। ओके, सो चलिए, अब आपको ये पता है कि जिस सेंटेंस में नो आ जाए वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। सो लेट स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटू नेगेटिव सेंटेंस, हमें इन्हें नेगेटिव में बदलना है। द बॉल रोल्ड बिहाइंड द बुशेस, सो द बॉल रोल्ड बिहाइंड द बुशेस, सो यहाँ पर आ जाएगा द बॉल डिड नॉट रोल, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हुए। सो ये सेंटेंस बनेगा आपका ऐसे, द बॉल डिड नॉट रोल बिहाइंड द बुशेस। ओके बच्चों, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस या इनमें से काफ़ी सेंटेंस यहीं पर ठीक करके दिखा दूंगी, आप इन्हें अलग से अपनी नोटबुक में दोबारा से लिखेंगे। ओके, मिस्टर कपूर बॉट अ न्यू कार, अब मिस्टर कपूर ने नई कार खरीदी, अब नेगेटिव क्या होगा, मिस्टर कपूर ने नई कार नहीं खरीदी। सो मिस्टर कपूर डिड नॉट, अब बॉट का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बाय अ न्यू कार। ओके, सो मिस्टर कपूर डिड नॉट बाय अ न्यू कार। राखी वेंट टू द लाइब्रेरी, सो इसमें क्या आ जाएगा, राखी डिड नॉट गो टू द library, right? Today and tomorrow are holidays. Today and tomorrow are not holidays. Okay? The monkey was sitting on a tree. The monkey was not sitting on a tree. हमने बस positive को negative बनाना है, no, never, not add करके. I saw a kingfisher on the branch of a tree. I did not see a kingfisher. The old man was walking with a stick. The old man was not walking with a stick. Seema is reading a story book. Seema is not reading a story book. Delhi has a high rate of air pollution. Delhi has not a high rate of air pollution. The cat is drinking milk. The cat is not drinking milk. है ना इजी बच्चों, आपको ऐड करना है नो और नॉट। ओके, और अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ है सो यू विल ऐड डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो लेट्स गो अहेड। नाउ
The B exercise is change the negative sentence into affirmative sentences. अब आपको यहाँ पर सारे ये negative sentence दिए हुए हैं, आपको इन्हें positive sentence, affirmative sentence बनाना है. We are not playing computer games. So यहाँ पर तो हमारे पास space है, so I am writing we are playing computer games. She is not in the living room. She is in the living room. I am not 24 years old. I am 24 years old. Okay? She is not from France. She is from France. Okay? I don't live in London. So, इसको हटा देंगे. I live in London. Okay? Shyam doesn't work in a bank. Shyam works. So, यहाँ पर आ जाएगा. Shyam works in a bank. Okay? And I live in London. They don't play soccer at the weekends. They play soccer at the weekends. Okay? So positive से negative बनाने में you have to add no or not. और negative से positive बनाने में you just have to remove the negative word. Okay? So we go ahead now. Yes. Go through the following sentences and transform them as directed. So I don't think you have to be worried about him. अब हमें इसे affirmative में बदलना है. I think you have to be worried about him. बन गया affirmative. Gayatri has come home. इसे negative में बदलना है. So Gayatri has not come home. Okay? They will be going to Las Vegas. Negative. They will not be going to Las Vegas. Monica is not a cook. Monica is a cook. Affirmative. ये negative में. Okay. So, Chandler makes jokes. Chandler doesn't make jokes. Okay. So, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ. Because ये present में है. Chandler doesn't make jokes. Okay? I stayed at the hotel. So, I stayed का stay हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा did not. I did not stay at the hotel. Right? चलिए. We did not forget the tickets. Affirmative में. So, did not हट जाएगा. We forgot the tickets. You have to bring me a pair of gloves. Negative. You have not to bring me a pair of gloves. Serena wore a long blue dress to the prom. Negative में बदलना है. So, Serena did not wear. वोर का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म वियर. ओके. इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे. एफर्मेटिव में. सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे. सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाने की. ओके. सो वी गो अहेड. यस, दिस इज प्रोवोकेशन एक्सरसाइज बच्चों. और इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट में हमें नेगेटिव थॉट्स लिखने हैं और उनको हमें रीराइट, रीफ्रेम एंड रीराइट द नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स. ओके. सो प्रैक्टिस सेल्फ टॉक थ्रू आउट द डे. अब हम इसमें कैसे थॉट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ नेगेटिव थॉट. आई एम नॉट ब्यूटिफुल. अब हमें इसे पॉजिटिव में लिखना है. आई एम very
ब्यूटिफुल. ओके, सो इस तरह से बच्चों आप खुद से बात करो, नेगेटिव थॉट्स जो भी आए उन्हें रीफ्रेम करो और रीराइट करो पॉजिटिव थॉट में. जैसे हमें ये थॉट आ सकता है, आई डिड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क. ओके, आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया और फिर आपको पॉजिटिव थॉट लिखना है, आई कंप्लीटेड माई वर्क. ओके, सो इस तरह से आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हो. अब ये दो थॉट्स आपके यहाँ पर रह गए हैं और ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क में करने के लिए. कुछ भी जो भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, यू हैव टू राइट इट हियर और फिर उसे रीफ्रेम करके आपको लिखना है पॉजिटिव थॉट में. ओके बच्चों, आई होप दैट दिस चैप्टर नेगेटिव सेंटेंस इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ वी हैव अ कॉम्पोजिशन टॉपिक फ्रॉम योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड द टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग. ओके, सो आज मैं आपको सिखा रही हूँ बच्चों कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं. ओके, सो पैराग्राफ होता क्या है पहले तो. पैराग्राफ इज अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन ऑन अ सिंगल थीम. एक टॉपिक पे शॉर्ट कॉम्पोजिशन जो लिखते हैं वो होता है पैराग्राफ. ईच पैराग्राफ नीड्स टू हैव अ टॉपिक सेंटेंस. ओके, एंड सपोर्टिंग एविडेंस एंड अ फाइनल सेंटेंस. मतलब टॉपिक सेंटेंस मतलब ओपनिंग लाइन. ओके, सपोर्टिंग एविडेंस जो आप उसके बीच में लिखोगे उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए. एंड अ फाइनल सेंटेंस मतलब एंडिंग कैसे होगी उसकी. ड्रॉ अ कंक्लूजन और क्रिएट अ लिंक टू द नेक्स्ट आइडिया. नाउ इंटरप्रिटेशन इज द पैराग्राफ मस्ट फोकस सोलली ऑन अ सिंगल आइडिया. सिर्फ एक ही चीज की बात होनी चाहिए पैराग्राफ में. मेजर एंड माइनर डिटेल्स शुड नॉट बी मिस्ड. ओके, कोई भी बड़ी डिटेल हो या छोटी डिटेल हो वो मिस नहीं करनी है. द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस शुड बी द मोस्ट एक्सप्रेसिव. सबसे पहला सेंटेंस और सबसे लास्ट का सेंटेंस आपका इम्प्रेसिव होना चाहिए. ओके, अ गुड पैराग्राफ शुड हैव सफिशिएंट डेटा रिलेटेड टू द टॉपिक. एक जो अच्छा पैराग्राफ होता है उसमें टॉपिक से रिलेटेड सफिशिएंट डेटा होता है. ओके बच्चों, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो एक ही आइडिया पे होना चाहिए. हर तरह की डिटेल होनी चाहिए. फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, राइट. एंड वी हैव एन एग्जाम्पल हेयर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. तो यहाँ पर उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ है. चलिए हम पढ़ते हैं. अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. ओके, एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ दिमाग किसके अंदर रहता है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर रहता है. अनलेस आर बॉडी इज फिट आर माइंड टू वॉन्ट बी फिट. जब तक हमारी शरीर फिट नहीं होगा हमारा माइंड भी फिट नहीं होगा. इट इज असेंशियल फॉर एवरी वन टू डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन लाइफ. तो ये सबके लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें और लाइफ में इसकी इम्पॉर्टेंस को समझें. एक्सरसाइज हेल्प्स टू कंट्रोल एंड मेंटेन अ कांस्टेंट वेट. एक्सरसाइज कंट्रोल करती है और एक कांस्टेंट वेट मेंटेन करती है बाय प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम गेनिंग एक्सेस वेट और मेंटेन वेट लॉस. और बचाती है इंसान को एक्सेस वेट गेन करने से और मेंटेन वेट लॉस, और वेट लॉस भी मेंटेन करती है. प्रॉपर टाइम शुड बी मैनेज्ड फॉर एक्सरसाइज एज इट बूस्ट एनर्जी टू परफॉर्म एन ऑल डे लॉन्ग एक्टिविटीज. सो एक्सरसाइज के लिए एक हमें प्रॉपर टाइम मैनेज करना चाहिए क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है हमारी पूरे दिन की लॉन्ग एक्टिविटीज के लिए. सो इस पैराग्राफ में आप देखो सब कुछ एक्सरसाइज के बारे में दिया हुआ है, राइट. सो बच्चों अब यहाँ पर आपके लिए भी टास्क है. आपको मैं यहाँ पर दो टॉपिक दे रही हूँ, विजिट टू अ म्यूजियम एंड बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स. सो आपको अपनी स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन बहुत इम्प्रेसिव रखनी है. अपने पैराग्राफ को टॉपिक देना है. मेजर एंड माइनर डिटेल्स आपको अपने पैराग्राफ में डालनी है और जो आपका टॉपिक है उसी पर आपको स्टिक रहना है. ओके, टॉपिक आपको यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं. यू डोंट नीड टू गिव अ टॉपिक. सो विजिट टू अ म्यूजियम में यू विल राइट व्हाट इज अ म्यूजियम.
ओके, क्या होता है एक म्यूजियम, व्हेन डू यू गो टू अ म्यूजियम, ओके, व्हाट डिड यू सी देयर, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा जाके, एंड व्हाट डिड यू लर्न, और आपने क्या सीखा. बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स में आपको क्या क्या लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स, बुक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, वेयर डू यू लाइक टू रीड बुक्स, कहाँ पढ़ना पसंद करते हो बुक्स, एंड वाई आर बुक्स इंटरेस्टिंग, और बुक इंटरेस्टिंग क्यों होती है. ओके, सो दीज आर टू टॉपिक्स, एंड इससे आपकी क्या होगी बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस होगी. सो प्लीज डू राइट पैराग्राफ्स, ओके, इम्प्रेसिव लिखिए, एंडिंग और स्टार्टिंग लाइन पर बहुत ध्यान दीजिए, बीच का जो भी आप मैटर उसमें लिखते हैं वो टॉपिक से हटके नहीं होना चाहिए, यू हैव टू स्टिक ऑन द टॉपिक. ओके, आई होप कि पैराग्राफ राइटिंग अब आपको समझ में आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.